हेलो एवरीवन, माय नेम इज अपर्णा एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. बिफोर स्टार्टिंग टू द चैप्टर, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट. अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये उसके बाद का वीडियो है, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट our chapter. Contradictions in development schemes. Over the past few years, there has been widespread discontent in many regions of our country about the way in which development programs are being carried out. Industrialists are focusing on mining mineral resources and setting up factories to earn profits. They claim that setting up industries open up new employment opportunities for people in the region and boost the manufacture of goods. अब यहाँ पर आपका बता रहा है कि जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स होते हैं उसमें क्या क्या कंट्राडिक्शन होते हैं. कंट्राडिक्शंस मीन्स एक तरीके से प्रॉब्लम्स. ठीक है, क्या क्या कंट्राडिक्शन होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस करना पड़ता है, हालांकि जबकि वो क्या है, एक डेवलपमेंट स्कीम है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल क्या दिया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, कंट्रीज़ के लिए या कहीं भी आप अगर जाते हैं या कोई भी गाँव है, शहर है, उनके लिए इंडस्ट्री जो रहती है वो क्या है, एक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का एक साधन रहता है. ठीक है, इंडस्ट्री कोई भी जगह पर अगर वो इंडस्ट्री वहाँ पर बन रही है तो वहाँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, जिसके वजह से क्या है, वहाँ पर के आसपास के लोगों का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा. लेकिन वहाँ पर उन्हीं लोग में यहाँ पर यह बता रहा है कि उसी के वजह से, इंडस्ट्रीज के सेटअप होने की वजह से ही क्या होते हैं, बहुत सारे कंट्राडिक्शन होते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बता रहा है. ठीक है, वहाँ पर लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रीज जब बनेंगी तो क्या होगा, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी और साथ में जो गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हैं, वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्केल पर हो पाएंगे. But there is a contradiction in their claim. Land is required for mining mineral resources and setting up factories. Acquiring this land affects the lives of large number of people. Many of them are displaced and do not get adequate facilities for their rehabilitation. They lose their traditional sources of livelihood and their cultural moorings. Development thus give rise to a situation of conflict in society. अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि कंट्राडिक्शन जो है, ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो बोल रहे हैं उसमें क्या है, एक कंट्राडिक्शन है. क्या कंट्राडिक्शन है, अगर आप कहीं भी फैक्ट्री सेटअप करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, मिनरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी फैक्ट्री में. अगर आप कोई भी सामान को कुछ भी आप बनाते हैं, ठीक है, अगर स्टील बना रहे हैं तो भी आपको मिनरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. अगर कोई और मटेरियल बना रहे हैं तो भी आपको मिनरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो तो आपको क्या पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी, मिनरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. अब उस मिनरल रिसोर्स को निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो मिनरल रिसोर्स क्या है, अर्थ में है, अर्थ के अंदर है, लैंड में है, तो उनको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, माइनिंग करनी होगी, लैंड पे खुदाई करनी होगी, और उसके बाद में फिर इंडस्ट्रीज अगर सेटअप होंगी तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा. तो ये यहाँ पर वही बता रहा है कि लैंड की वजह से, ठीक है, जो लैंड है उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं. लैंड को एक्वायर करती जा रही हैं कंपनीज और बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है, बिना घर में अपना जो लैंड है वो क्या करते हैं, उनको दे देते हैं, इंडस्ट्रीज को दे देते हैं. ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने पैसों की वजह से बहुत सारे जो लैंड है उनको क्या कर देते हैं, इंडस्ट्रीज को दे देते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी जगह से वहाँ से हट जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिहैबिलिटेशन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है. उड़ीसा इज रिच इन कोल, बॉक्साइट एंड आयरन ओर रिसोर्सेज. द स्टेट प्लान्स टू सेटअप एटलीस्ट 45 स्टील यूनिट्स. द पीपल हैव लिविंग इन दिस मिनरल रिच रीजन्स कॉन्स्टेंटली फियर दैट दे विल बी डिस्प्लेस्ड व्हेन देयर लैंड इज एक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज इंडस्ट्रियल यूनिट्स. हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड आर ऑलरेडी बीन एक्वायर्ड फॉर द पर्पज एंड फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड ऑन अ मैसिव स्केल leading to the drying up of the water sources. The people have time and again registered their protest against the establishment of these industries.
Their main demand is to protect their land, water, and forest and sources of livelihood. They do not wish to be displaced to an unknown location after being provided some compensation. They urge that once they exhaust the money they will receive in compensation, they are forced to work as laborers without any guarantee of employment or work security. These changes have adversely affected their traditional lifestyle. यहाँ पर आपका आपको एग्जाम्पल दिया है उड़ीसा का कि उड़ीसा जो है वो क्या है, कोल बॉक्साइड और आयरन ओर्स के रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस ये रिसोर्सेज क्या हैं अवेलेबल हैं. अब यहाँ पर जो स्टेट है वो क्या प्लान कर रही है, 45 स्टील यूनिट्स खोलने के लिए प्लान कर रही है क्योंकि उस कंट्री में क्या बहुत ज़्यादा मिनरल रिच रीजन है वो. तो वहाँ पर लोगों को डर लगे रहता है कि उनका जो लैंड है वो क्या कर लिया जाएगा, एक्वायर कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा और उसके बदले उनको कंपनसेशन दे दिया जाएगा और फिर दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमेशा वो लोग क्या रहते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कब उनका लैंड उनसे ले लिया जाए. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को वैसे ही क्लियर कर दिया गया है जिसके लोगों को कंपनसेशन दे के वहाँ से हटा दिया गया है, जिसके कारण बाकी के जो लोग हैं उनको भी क्या रहता है, वो एक डर लगे रहता है कि कब उनको भी वहाँ से निकाल दिया जाएगा. इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया कि उनको वहाँ से ना निकाला जाए और उनका जो लिविंग सोर्सेस हैं, जैसे कि आपका क्या लिविंग सोर्सेस मीन्स वहाँ पर जो लैंड, वाटर, फॉरेस्ट और सोर्सेस हैं उनको बचाया जाए उनकी लाइवलीहुड चलाने के लिए. ये उनका क्या था, डिमांड था. Many environmentalists have also voiced their concern about the adverse impact of the state's industrialization on the environment of the country. They claim that excessive mining of mineral resources and establishing industrial units are destroying our land and water resources and polluting the atmosphere. The discharge of industrial wastes is also polluting our water sources. As a result, people now face the danger of new pollution-related health problems. अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, जो हमारे एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं, उन्होंने भी अपना जो कंसर्न है वो दिखाया गवर्नमेंट के सामने, में अपना कंसर्न दिखाया और बताया कि जो कंट्री जो करने जा रही है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वो करने की कोशिश कर रही है, उससे बहुत ज़्यादा क्या हो जा सकता है, नुकसान हो सकता है हमारे एनवायरमेंट को. क्या क्या नुकसान हो सकता है, जब इंडस्ट्रीज वहाँ पर सेटअप होंगी तो सबसे पहला नुकसान उनके लिए क्या होगा, लैंड उनको चाहिए होगा जिसके जो कि अवेलेबल नहीं है. सेकेंड, उनको वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज कैसे, जब इंडस्ट्री बनेगी तो उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो किस में डंप होगा, वो आपका वाटर रिसोर्सेज में ही डंप होगा, जिसकी वजह से उनकी जो जो एटमोसफियर है वो क्या होगा, पॉल्यूट होता चला जाएगा. अ कमिटी सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटेड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन द स्टेट एंड फाउंड दैट अ फ्यू लार्ज कंपनीज हैड फ्लोटेड द Forest Rights Act to set up industries. Consequently, the Ministry of Environment had stopped the land acquisition activities of some of these industries. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन कर रही है उसके खिलाफ क्या किया है, एक कमिटी सेटअप की है जिसमें उनको ध्यान रखना है कि उनका जो भी लैंड एक्वाइजेशन हो रहा है वो सही तरीके से है.